उनके ऐसे ही लग रहा है कि मैं उनको चहेट रही हूँ, भाग भाग नहीं वैसा कुछ नहीं है, बट एक बहुत ही अलग फिल्म है और कॉन्सेप्ट बहुत नया है, तो भोजपुरी के लिए बहुत नया है. और मैं ये कहना चाहूँगी कि एक जो अभी ट्रेंड चला है ना वापस से पारिवारिक फिल्में, थोड़ा अच्छा अच्छा वाला अच्छे अच्छे गाने, तो ये सब आपको इसमें देखने मिलेंगे. भाग खेसारी भाग, जी हाँ मैं वापस आ रही हूँ खेसारी जी के साथ, तो खेसारी और स्मृति की जोड़ी आपको, आप लोगों को फिर से देखने को मिलेगी. तो लगता है शायद आप लोगों का प्यार फिर से मिलने वाला है मुझे. भाग खेसारी भाग स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन खेलकूद, तो खेलकूद पर आधारित ये मूवी है. और मुझे नहीं लगता कि अभी तक भोजपुरी में खेलकूद पर कोई आधारित मूवी बनी है जो इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं उन पर आधारित है फिल्म. और बहुत ही इमोशनल और एक अच्छा लव एंगल लेकर आ रही है फिल्म. तो इससे ज़्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी. आप लोग फिल्म जब रिलीज़ होगी दशहरा के टाइम पे, तो आप लोग ये फिल्म ज़रूर देखें. और जिस तरह हम लोग, हम दोनों की जोड़ी को आप लोगों ने हमेशा सराहा है और प्यार दिया है, तो इसमें जो मेरा किरदार है वो हाँ फिर से अलग है. तो ये वो अलग वाला फैक्टर हमेशा मेरे साथ चलता है. तो इसमें मैं एक पंडित की बेटी हूँ, लेकिन आई एम नॉट लेस देन अ पंडित, और डिजिटल पंडित बनी हूँ इसमें. तो ये डिजिटल पंडित सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा. उनको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी. और जेपी स्टार्स और उमा शंकर जी ने सच में बहुत अच्छी, बहुत प्यारी सी फिल्म बनाई है और दिल खोल कर बनाई है फिल्म. कहीं भी कोई कोताही नहीं करी है उन्होंने. तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको वैसे और भी प्रोड्यूसर्स को उनसे इंस्पायर होकर आना चाहिए और भोजपुरी इंडस्ट्री में अच्छी अच्छी फिल्में बनानी चाहिए, पारिवारिक फिल्में बनानी चाहिए. जैसा कि मैं हमेशा पारिवारिक फिल्मों का ही हिस्सा रहती हूँ और इसलिए मुझे मेरे दर्शक हमेशा पसंद करते हैं. तो मैं चाहूँगी कि हमारी इस फिल्म को भी दर्शक पसंद करें. निर्देशक हैं इसमें प्रेमांशु सिंह जी, जो मेरे और खेसारी जी के लगभग 90% फिल्मों के, हिट फिल्मों के डायरेक्टर रहे हैं. तो हम तीनों की जो तिगड़ी है वो हमेशा काम करती है. तो इस वाली फिल्म में भी काम कर जाए बिल्कुल. सिनेमची लाइव, एक तो पहले मैं बताना चाहूँगी, सिनेमची जो होता है ना वो हमारे तरफ जो बहुत बड़का सिनेमा का कीड़ा होता है ना, उनको बोलते हैं सिनेमची. बहुत बड़ा सिनेमची बाड़ा ही, खाली सिनेमा ही देखेला, तो वही है सिनेमची. और सिनेमची जो कंपनी है वो लेकर आ रही है सिनेमची लाइव, जिसमें सिनेमची लाइव हर दिन लाइव जाकर परफॉर्म करती है. और जो नए आर्टिस्ट, जो अपकमिंग आर्टिस्ट, ये लोग होते हैं जो गाना गा रहे हों या डांस कर रहे हों या कॉमेडी कर रहे हों, इन सब को ये मौका देगी. तो फिलहाल जो ये लाइव जाते हैं शाम के 7-7:30 बजे के अराउंड, तो सिनेमची लाइव हमेशा आप लोग कभी भी किसी भी दिन 7-7:30 बजे के अराउंड उसको देख सकते हैं. यूट्यूब हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, हर जगह वो लाइव परफॉर्म करते हैं. तो ये इंडिया का, मुझे लगता है दुनिया का फर्स्ट ऐसा बैंड है जो लाइव परफॉर्म, ऑनलाइन परफॉर्म करता है. जी जी जी, अभी गणेश आचार्य जी भी लाइव आए थे सिनेमची लाइव के साथ. तो ये उन सिनेमची लाइव के लिए बहुत बड़ी बात है. और उन्होंने अपना वक्त दिया, उनके साथ जितने लोग उन लोगों ने सब मस्ती करी, मज़ा करा. तो ये सब कुछ आप सिनेमची लाइव को इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं और ये सारी फुटेज जो है वो आप उस पर दोबारा भी देख सकते हैं. और फॉलो कीजिए सिनेमची लाइव, लिसन लाइव, बी अलाइव. मेरे ऑडियंस और मेरे फैंस मुझे इसी तरह प्यार देते रहें, इसी तरह मुझे अपने एप्पल ऑफ द आई बनाकर रखें. और मुझसे जो भी अलग या जो भी हटकर हो पाएगा, जो आपकी डिमांड है, वो सब मैं पूरी करने की पूरी कोशिश करती हूँ अपने एक्टिंग और अपने डांस और अपने परफॉर्मेंस के ज़रिए. तो लव यू ऑल. और प्लीज़ 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 निहोरा करतानी की फिल्म जाकर थिएटर में देखी. Planet Bhojpuri.